आरोग्य जागृति। किसी ने खूब कहा है कि आप काबिल बनो, कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। इसी पे आधारित आज का ये भाग आरोग्य जागृति में देखेंगे। एक छोटे से बच्चे की अपनी काल्पनिक दुनिया होती है, जिसमें वो भविष्य में क्या बनना चाहता है, इसकी लिखावट वो अपने बंद मुट्ठी में लेकर चलता है। ऐसा ही एक सपना 50 से 55 साल पहले एक बच्चे ने देखा कि मैं बड़ा होकर एक जादूगर बनना चाहता हूँ। और हुआ भी यूं कि उस बच्चे ने कुछ ऐसे अद्भुत प्रयोग करके लोगों को चकित कर दिया। आगे वो लड़का हाथ की सफाई या नजरों का धोखा करने वाली मैजिशियन नहीं, बल्कि दृष्टिहीन लोगों को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाला जादूगर बन गया। अनगिनत लोगों की आंखों की सर्जरी करके उनके जीवन में सब रंग भरने वाला वो जिद्दी जादूगर, यानी हमारे महाराष्ट्र की आन बान शान, नेत्र तज्ञों में अपनी अलग पहचान, सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, जिनके बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए, उतना कम है। आज हम उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें इस भाग में उन्हीं से सुनेंगे। आरोग्य जागृति में आज आप ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जिसका नाम महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत देश में उनका नाम मशहूर है। और वो एक ऐसा जादूगर है, आँखों का जादूगर जिसको बताया जाता है। हम उन्हीं से जानेंगे उन्होंने आज पूरे देश में अपना नाम किस तरह रोशन किया है। और आँखों के क्षेत्र में जब भी आँखों की कोई विषय आता है तो पहला नाम डॉक्टर प्रकाश कांकरिया जी का आता है, और उनका अनुभव हम उन्हीं से जानेंगे। और उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में तो अपना नाम किया ही है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी नाम उनका बड़ा है। और आप आज हम उन्हीं से जानेंगे उनका प्रवास कैसा रहा है। कि मेरे पिताजी ये जज थे, मेरे माताजी ये स्वतंत्र सैनिका थी, और उनके ही संस्कार बचपन से पढ़ाई में और आगे भी हमें जो रहे। तो यहाँ के स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज अंबेजोगाई का जो है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज के पहले बैच का मैं विद्यार्थी हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज वो कॉलेज से पहली बैच में से जब मैं खुद को जाना जाता हूँ, और ग्रामीण भाग का जो परिचय मुझे उस बहाने हुआ, अंबेजोगाई का पूरा वातावरण था, बाजू के देहाती लोग थे, तब से ऐसा दिमाग में था कि मैंने ये आँखों का प्रशिक्षण वहाँ से लेने के बाद कि ऐसी जगह मैं शुरू करूँ प्रैक्टिस कि जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें या अच्छी तकनीक हम ग्रामीण लोगों के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि ऐसा जाना जाता था मेडिकल फील्ड में कि जो कुछ अच्छा होना है, जो बड़ी चीज़ें आना है, नई टेक्नोलॉजी आना है, वो बम्बई, दिल्ली या चेन्नई या बेंगलोर ऐसे ही सिटी में आती थी, और उन्हें छोटे गांव तक आने तक या छोटे ज़िले तक आने तक उनको 15-15 साल 20-20 साल लग जाते थे। अभी गति बढ़ गई है, मगर उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब 35 साल पहले जब प्रैक्टिस शुरू की थी, तब मेरे पिताजी शिरडी संस्थान के कोर्ट रिसीवर थे, तो साई बाबा की सेवा में थे 8-10 साल। तो नज़दीक क्या था, अहमदनगर, तो अहमदनगर को मैंने यहाँ सिविल हॉस्पिटल में 3 साल काम किया। सिविल हॉस्पिटल में 3 साल काम करते वक्त हज़ारों शिविर हमने लिए गांव-गांव जाकर। तब भी गांव का जो पिछड़ा इलाका है या जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी क्या समस्या है वो बहुत नज़दीक से हम देख पाए। और वो देखते वक्त वही दिमाग में आता रहा कि हम ज़माने के काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तो गति पकड़ना चाहिए। तो 15 अगस्त 1985 को साई सूर्य नेत्र सेवा ये संस्था का जब शुरुआत की, तो नाम भी देखिए डॉक्टर सुधा जी, और हमने जो सोचा साई ये भक्ति है क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स भी ज़रूरी है, और सूर्य जो है ये साइंस है, तो मेडिकल साइंस जो है ये दोनों का मिलाप है। तो सिर्फ साइंस नहीं काम करता, तो उसमें ब्लेसिंग्स भी ज़रूरी है, तो इसलिए ये संस्था का नाम भी साई सूर्य नेत्र सेवा रखा है कि इसमें साइंस भी है और भक्ति भी है या ब्लेसिंग्स भी है। तो जब शुरू किया तब एक बात की ये मुझे खुशी है
कि शुरू करने के एक 6 महीने पहले हैदराबाद में मैं एक कॉन्फ्रेंस को गया था, वहाँ डॉक्टर फेदरो जो रशिया के जो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, जो सारी दुनिया उन्हें एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी का आद्यकर्ता मानती है, वो कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे के अंदर की क्यूरियोसिटी और ये थोड़ा एंथुसियाज्म देखा और मैंने पूछा कि मैं आपसे उस समय चश्मे का नंबर कम करने के ऑपरेशन के लिए वो जाने जाते थे और भारत में कोई करता नहीं था, तो मैंने जो क्यूरियोसिटी दिखाई तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया उनके जो डॉक्टर फेदरो की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ, मुझे उनके साथ कुछ दिन रहने का मौका मिला और उनके तरफ से मैंने मॉस्को में ये रेडियल कैरेटोमी नाम की एक डायमंड नाइफ से की जाने वाली एक सर्जरी जिसे माइनस नंबर कम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने जो संशोधित किया था वो सीखने का मौका मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो टेक्नोलॉजी मुझे ऐसी लगी कि युवकों को जिन्हें चश्मा है फौज में नहीं जा सकते, चश्मा है पायलट नहीं हो सकते, आप रेलवे सर्विसेज नहीं कर सकते हैं, काफ़ी जगह युवकों को चश्मे के कारण पुलिस भर्ती भी नहीं हो सकती है, तो ये चश्मे के कारण काफ़ी युवकों को उनका जो सपना है वो खो जाता है। और हमारे भारत में और ये भी समस्या थी कि चश्मे वाली लड़की है तो उसे नकारा जाता है, उसकी शादी नहीं होती, तो वो दोनों भी चीज़ों को मैंने वो सीखते थोड़ा ख्याल में रखा और मैंने सोचा कि भारत में इसकी ज़रूरी है। हम युवकों को, यानी पहले हम जो आँखों के डॉक्टर थे हम वृद्धों की सेवा ज़्यादा करते थे जिसमें कैटरेक्ट सर्जरी होती थी, मगर युवकों के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, तो उस बहाने ये युवकों का जो सपना साकार करने की सर्जरी है रिफ्रैक्टिव सर्जरी, वो हम वहाँ से सीख पाए। और 15 अगस्त को जब 1985 को जब ये साईश्वर नेत्र सेवा का शुरुआत की तो उस दिन से रेडियल कैरेटोमी सर्जरी हमने भारत में उस समय पहले बार यहाँ अहमदनगर को शुरू की। लोगों को काफ़ी सशंकता थी, अजीब लगता था कि बम्बई में भी नहीं होती है, चेन्नई को भी नहीं होती है और आप नगर जैसे जगह कैसे करते हो, मगर उसकी उपयोगिता जैसे लोग होते गए और उसकी उपयोगिता लोगों में सिद्ध हुई और काफ़ी सेफ सर्जरी है ये लोगों को जब पता चला, तब हमने पहले बार ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी कैंप बेसिस पे करना चालू किया कि गरीबों के लिए हमें करना है। तो हमने फिर उल्लासनगर है, भोपाल है, ग्वालियर है, हजारीबाग तुम्हारे इसमें अलग अलग जगह भारत में सूरत को है ये कैंप लेना शुरू किए जिसमें आरके सर्जरी हम करते थे और लड़के या लड़कियां जिनको चश्मे के नंबर है उनको ये शिविर में फ़ायदा देते थे। इसके कारण वो शिविर के कारण ये साइंस काफ़ी भारत भर पॉपुलर भी हो गया, लोगों को जानकारी भी हो गई और पूरे भारत भर से लोग अहमदनगर से जैसे छोटे गांव में अपने उपचार के लिए आने लग गए। सिर्फ भारत से ही नहीं तो काफ़ी लोग जो विशेषकर हम बोलते हैं कि नॉन रेसिडेंट जो इंडियन है, NRI जो है कहाँ UK में है कहाँ अमेरिका में है, वो भी वहाँ से अहमदनगर जैसे छोटे गांव में आकर उपचार करने लग गई है। साईं बाबा की कृपा है और मैं बोलता हूँ कि सब माँ बाप का आशीर्वाद है और समाज ने जो विश्वास रखा आज हमारे जैसे दाम्पत्य के ऊपर कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, इसका नतीजा ऐसा होते रहा कि मैं 6 महीने के अंदर पूना को जाके मेरी प्रैक्टिस शुरू, मेरे संडे को जाकर पूना को सूर्य हॉस्पिटल में OPD और ऑपरेशन शुरू किए। 6 दिन मैं नगर में काम करता था, 1 दिन पूना में जाता था, पूना में भी 1 दिन में 300-400 पेशेंट देखता था, 40-40 ऑपरेशन करता था। पूना में भी ये सर्जरी इतनी पॉपुलर हो गई, मुझे हमारे मास्टर जी है HK फिलोदिया जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने कहा प्रकाश अरे तू पूना में इतना पॉपुलर हो गया है तो नगर छोड़ के आ जा पूना में, पूना में इतना नाम हो गया है तेरा,
तो मैंने उनको वही कहा नम्रता से कि मुझे ये करके दिखाना है युवकों को कि, या हमारे जो कलीग्स हैं उनको, कि जगह कोई कोई भी हो, आप अच्छा काम करो, सारी दुनिया से लोग तुम्हारे पास आएंगे। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ बम्बई में होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ चेन्नई में होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। आप छोटे गांव में भी प्रैक्टिस करते हो या काम करते हो तो दुनिया की अच्छे से अच्छी चीज़ लाओ, लोगों को फ़ायदा कराओ। वो हिसाब से मैंने और सुधा ने ये साई सूर्य का जो प्रवास किया, तो उस समय 1994 में सॉलिड स्टेट लेजर के ऊपर एशियन कंट्रीज का पहला लैसिक हम अहमदनगर को कर पाए, तो लोगों को आश्चर्य लगा कि इंडिया ही नहीं तो एशियन कंट्रीज में पहले बार कुछ चीज़ें कर रहे हो। मगर उस बात की खुशी होती थी कि चलो साइंस के तो हम भक्त है ही, मगर उसका समाज के लिए उपयोग हो सके। फिर उसी के साथ हमारे माता जी पिताजी के संस्कार थे, और उस समय आई बैंक जो विषय था कि नेत्र पेड़ी, ये सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ चार पांच मेडिकल कॉलेज में रहती थी, ऐसे सामान्य लोगों को नेत्रदान या उसका कोई महत्व ज़्यादा समझ में नहीं आता था। तो उस समय हमने गवर्नमेंट के पीछे लगकर कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ये मौका दिया जाए, तो काफ़ी 4-6 साल हम झगड़े उनके साथ के क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी क्यों नेत्रदान के अंदर काम नहीं करना चाहिए। फिर बाद में हमें मौका मिला और भारत की पहली प्राइवेट आई बैंक हमें साई सूर्य नेत्र सेवा को चलाने की मान्यता मिली शासन से। और इस बात की खुशी है कि अहमदनगर जैसा छोटा गांव, ये बहुत बड़ा गांव नहीं है, यानी पॉपुलेशन टू आई डोनेशन ये जो रेशियो है, भारत का सबसे ज़्यादा आई डोनेशन अहमदनगर में होने लगा। इसका एक कारण है यहाँ आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब जो जैनों के आचार्य थे, और जैन कम्युनिटी में ये नेत्रदान का महत्व थोड़ा ज़्यादा लोगों में है, तो उन्होंने जब ये आई बैंक शुरू की तो लोगों में वो कहावत रखी, तो काफ़ी लोग उसमें प्रोत्साहित भी हो गए। और सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी भी है कि मेरे माताजी और पिताजी का देहांत होने के बाद ये हिम्मत मुझ में आई, ये साईं बाबा की कृपा है कि मैं उनकी खुद आंखें निकाल पाऊँ। मरणोपरांत मृत्यु के पश्चात मैंने उनकी आंखें खुद निकाली और 2 अंधे व्यक्ति के ऊपर मैंने उनकी आंखों का नेत्ररोपण भी किया। ये दुनिया का पहला उदाहरण था कि कोई आंखों का डॉक्टर अपनी खुद की माताजी पिताजी की आंखें निकाल के खुद दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो कि वो कैरेलोप्लास्टी या नेत्ररोपण कर रहा है, क्योंकि नेत्ररोपण करने वाले डॉक्टर ही दुनिया में बहुत कम थे। उसमें उनके माता पिता का निधन होने के बाद उन्होंने आंखों ही निकाल के किसी पे करना, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और ये भी साईं बाबा का आशीर्वाद है कि ऐसा भी हुआ भी मैंने, और फिर लोगों में और ज़्यादा उसके बारे में उत्साह आ गया, क्योंकि फिर लोगों को लगा नहीं ये आँखों के डॉक्टर खाली लोगों को नेत्रदान करो ऐसा बोलते नहीं हैं, तो खुद भी करते हैं। तो ये जो अपन ऐसा बोलते कि मराठी में बोलते कि आधी केदेत पाइए, तो फिर लोगों को आपने किया है तो उसका ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है, तो उसके कारण भी नेत्रदान बहुत बढ़ गया। आज इस बात की खुशी है कि हमें शासन की तरफ से भी इस नेत्रदान के काम के लिए और नेत्ररोपण जो आई बैंक का काम है इसके लिए काफ़ी बार पुरस्कार भी मिले। ये सब समाज का जो है ये उनका ही दिया हुआ है, उन्होंने नेत्रदान किया इसलिए ये काम इतनी गति से हम आगे कर पाए। सर हमने देखा है कि इतना छोटे गांव को आपने पूरे एशिया में नाम किया है अहमदनगर का, केवल आपकी वजह से हुआ है ऐसा हम मानेंगे, लेकिन हमने देहात में भी देखा है कि आपको भगवान मानते हैं, आँखों के बारे में आपको भगवान मानते हैं। कोई दाम्पत्य का मतलब जो युवक का युवती का शादी ब्याह नहीं होता है या जॉब को नहीं लगता है, ऐसे टाइम में वो डिप्रेस हो जाता है और आपके पास आके उनको नया दृष्टि मिलती है और वो आज अपने परिवार, अभी उनका बच्चा हुआ है वो भी आपको आके पेड़े वगैरह देते हैं। तो ऐसा आपके पास शादी होती तो पहला भगवान को रख के दूसरा कार्ड आपके पास आता है, ये कहाँ तो सही? ये बात सही है कि हाँ एक है, मैं जब प्रैक्टिस शुरू की
तो मैंने जब माँ बाप के पैर पड़े तब मेरे माता ने एक आशीर्वाद दिया था कि प्रकाश पैसे के कारण तेरे पास से कोई भी पेशेंट पैसे के कारण वापिस नहीं जाना चाहिए, इतना तेरे प्रैक्टिस में देख, तेरे को पैसे मिलेंगे तो डॉक्टर हुआ है, मगर पैसे के कारण कोई पेशेंट वापिस गए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका आशीर्वाद मानकर मैंने क्या किया कि हर शनिवार सैटरडे हमारा हॉस्पिटल का काम फ्री रखा कि जो बाकी समय नहीं आ सकते दिखा नहीं सकते उनको शनिवार के दिन यहाँ मुफ्त यानी देखा जाता है, उपचार किया जाता है। ये सब जो है ये हमारे माता जी की देन है, उन्होंने कहा इसलिए ये हुआ। और भगवान वगैरह नहीं मगर लोगों को अच्छा लगता है कि उनकी भी ऐसा है कि विज्ञान की प्रगति होती अच्छी है मगर सामान्य आदमी को वो महंगी भी होती है कि काफ़ी बार उसके जेब को वो खर्चा परवड़ता नहीं है और सहन नहीं कर पाते, तो उन्हें कहाँ ना कहाँ राहत मिल जाए तो उनके आशीर्वाद मिलते हैं। और इसी बात को मैं आगे रखकर ये प्रैक्टिस में ये ज़रूर देखता हूँ। और अभी भी अभी 15 अगस्त का हमारा जो वर्धापन दिन है और 8 मार्च का जो जागतिक महिला दिन है, ये दो दिनों में मेरे नंबर उतारने के ऑपरेशन, क्योंकि ये बहुत खर्चित है, टेक्नोलॉजी काफ़ी नई नई आती है और 5-5 करोड़ की एक एक मशीनें होती है और डॉक्टर चाहे तो भी कम खर्चे में कर नहीं पा रहे। तो ऐसे शिविर के माध्यम से एक मैंने सीखा कि अभी समझो ये चश्मे का नंबर उतारने का जो कॉन्टोरा टेक्नोलॉजी है या लैसिक है, ये मशीन जो है ये ऑपरेट करके कैलिब्रेट करने का एक समय का खर्च $450 है। तो एक पेशेंट को तुम मशीन चालू करते हो तो $450 आपको पहले वो अमेरिका के कंपनी को देना पड़ता है क्योंकि मशीन आपने चालू किया है। तो शिविर के माध्यम से हम ये भी सीखे कि ये कैलिब्रेट करना जो है, यदि हम 5-10 पेशेंट एक साथ कैलिब्रेट करें तो उतना खर्चा डिवाइड हो जाता है, तो लोगों को भी कम खर्चे में हम ये उपचार कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने ये फॉरेन के लोगों को बहुत अजीब लगता है कि आप एक दिन में 200 ऑपरेशन करते हो, 300 करते हो, मगर उसका फ़ायदा ये भी होता है कि बल्क में करने से लोगों को बहुत कम खर्चे में हम ये इलाज करवा सकते हैं। हमें उस बात की खुशी है, शायद भारत ने उनको यही सिखाया कि आप इकोनॉमी कैसे कर सकते हो। बताया क्या आपने, तो ये काम तो आप कर रहे हो, डॉक्टर बोल के एक देवदूत तो बन चुके हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी आपने नाम किया है, ये क्या आपका कैसे जादू है? आँखों के क्षेत्र में आपने जादू बोल के आपको जादूगर बोला जाता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में एक आपने अपना एक बड़ापन बड़े पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जाता है, तो ये क्या राज है? नहीं ऐसे नहीं, अभी ऐसा है आप डॉक्टर हो तो लोगों का देखने का अंदाज भी होता है और आप थोड़ा सक्सेसफुल है तो फिर आप रोटरी और बाकी की संस्थाओं में भी काम करते हो, मगर आपके इसमें थोड़ा काम करने का हुनर है तो आप फिर कोई भी फील्ड में अच्छा काम कर लेते हो। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं ग्रामीण भाग में जब शिविर लेता था तब अन्ना हजारे जी का बहुत नज़दीक से परिचय हुआ, उनका काम देखा कि उन्होंने ग्राम विकास कैसे किया, जहाँ यानी ग्राम विकास का काम करते उन्होंने झाड़ों का कैसा महत्व रखा और पौधे लगाना चाहिए, इसका पानी अड़वाड़ी पानी जुड़वा जहाँ पानी नहीं है वहाँ क्या करना चाहिए, ये भी समाज को दिखाया। तो ऐसा कुछ साल पहले 4-5 साल प्रैक्टिस शुरू करने के बाद ऐसा लगा कि थोड़े 2 पैसे बच जाए, तो हम हमेशा ये पृथ्वी से लेते आए, ये पृथ्वी से हम लेते हैं, हम शायद दे नहीं सकते उनको। तो ऐसा सपना था मेरा और सुधा जी का कि कुछ हम ये पृथ्वी को कुछ दे भी पाए। तो अहमदनगर के ही पास में MIDC के पीछे वीरान ऐसी जगह थी जहाँ पहाड़ी है और पानी नहीं था और अनेक शतकों से कभी कोई झाड़ वहाँ उगा नहीं, तो ऐसा एक 100 एकड़ का ऐसी पहाड़ी ली कि जहाँ कभी अनेक शतकों से झाड़ उगा नहीं, तो MIDC का वेस्ट वाटर उठा के वहाँ एक 100 एकड़ का एक जंगल बनाया, साई बन नाम रखा उसका, वो भी साई की कृपा है। और इस बात की खुशी है कि 25 सालों में वो झाड़ इतने बड़े हो गए और इतने खूबसूरत वो जगह हो गई कि पहले वो डरावनी जगह जो लगती थी अभी लोग वहाँ आके दिन भर अपने परिवार के साथ
बहुत अच्छा समय गुजारते हैं। बहुत झाड़ी हो गई है, तालाब है, वहाँ लोगों को दिन अच्छे गुजारने या दिन जो है वो अच्छा गुजारने के लिए कुछ सुविधाएं भी हम कर पाए। और संदेश यही है कि ये पृथ्वी को आप कुछ दीजिए, ये आप पैदा हुए हो तो जाते वक्त आप खाली पृथ्वी से लेते हो, आप कुछ देने की भी कोशिश करो। हर इंसान ने ये पृथ्वी को कुछ देने की कोशिश की तो आपकी अगली पीढ़ी भी अच्छी रहेगी, उसकी अगली पीढ़ी भी अच्छी रहेगी। मुझे विचार जो ख़त्म हो रहा है तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे अगली पीढ़ी के आगे बहुत बड़ा डरावना संकट है जो मीडिया भी बार बार दिखा रही है। और ये हम अभी से ही हम इसके बारे में जागरूकता नहीं रखे तो मानव को पछतावे के सिवा आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं। सर, अभी जैसा भी सामाजिक क्षेत्र में नाम सुना है ये आपका, लेकिन हमने देखा है कि सभी पक्षों के, जैसा भी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, गडकरी जी हो, काफ़ी लोगों ने आपका सत्कार किया है। ये आपके कामों से इतना मतलब आपको, और सरकार ने भी इसका एक नया कंसेप्ट बना रहे हैं, उसको आपको प्रोत्साहन दिया है, तो इसका क्या राय? नहीं तो ठीक है, ऐसा है कि काम करने वाले को यदि पीठ पे थपथपी मिलती है तो काम करने वाले का भी उत्साह बढ़ ही जाता है। और अच्छा है कि भाई हम काम कर रहे हैं तो कोई पीठ पे थपथपा रहा है तो थोड़ा हमें भी काम करने में, मुझे और सुधा जी को इस बात की प्रोत्साहन हमेशा समाज से मिली है। और हम काम करते हैं, रोटरी में भी एक साल में 365 दिन में 365 प्रोजेक्ट करके दुनिया में पहला रोटरी क्लब अहमदनगर का ऐसा करके दिखाया कि दुनिया में अभी तो कोई रोटरी क्लब ने ऐसा काम नहीं किया। मगर ये सब टीम वर्क है, पूरे रोटरी के लोगों ने मिलकर साथ दिया, इसलिए हम कर पाए। साई सूर्य नेत्र साहब बोलो, साई बंद बोलो, अभी पूना में भी हमारे जो चिरंजीव है डॉक्टर वर्धमान जी और बहू जी डॉक्टर श्रुतिका, उन्होंने एशियन आई हॉस्पिटल हमने पूना में शुरू किया है, आज वो उसकी धुरा संभाल रहे हैं। और आज उन्होंने भी आज राज्यपाल महोदय से भी उन्हें अनुमोदना मिली है, पुरस्कार मिलते हैं। इस बात की खुशी है कि चलो हम तो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे मगर हमारी पीढ़ी जो अगली है वो हमारे से भी आगे अभी अच्छा काम कर रही है। और इस बात की कभी भी माँ बाप को खुशी होती कि अपने लगाया हुआ जो पौधा है वो अपने से बड़ा हो, ये बात की ज़्यादा खुशी माँ बाप को होती है। ऑफकोर्स यानी यहाँ अहमदनगर में भी जैन समाज काफ़ी बड़ा है, गांव छोटा हुआ तो भी जैन समाज काफ़ी है। यहाँ आचार्य आनंद जी महाराज साहब की उनकी यानी याद में कहो या उनके नाम से एक यहाँ आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल भी हम चलाते हैं, तकरीबन 250 बेड का यह हॉस्पिटल है जहाँ यानी आपको अच्छा लगेगा कि 15-16 साल पहले सिर्फ मुंबई पूना या हो सके थोड़ी नागपुर, उस समय हार्ट सर्जरी होती थी और उस समय 3-5 लाख रुपए खर्चा आता था, 15 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले। मगर अहमदनगर जैसे छोटे गांव में उस समय भी हमने वही उसमें उद्देश्य रखा कि दुनिया के साथ चलो, थोड़ा तेज़ी रखो और लोगों को एकदम कम खर्चे में वो आप उपलब्ध करा के दो। तो उस समय जब यहाँ मुंबई में 5-5 लाख रुपए लगते थे बाईपास सर्जरी को, हमने 50,000 में बाईपास सर्जरी करके दिखाई। तो आज आनंद श्री हॉस्पिटल भी एक अच्छा मेडिकल टूरिज्म हो गया है कि काफ़ी दूर से लोग वहाँ अपने हार्ट के इलाज के लिए और बाकी इलाज के लिए अभी लोग वहाँ आने लग गए। ऐसी है कि आप मेडिकल जो फील्ड है ये सेवा का है और इसमें आप जितनी अच्छी तरीके से सेवा दे सकते हो दुनिया को तो फ़ायदा होता ही है, मगर आपको भी अच्छा फ़ायदा होता है और आप भी बढ़ते हो और दुनिया भी आपके साथ बढ़ती है, इस बात की खुशी बहुत ज़्यादा है। सर बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को आपने बताया और आपका लाइफ बताया है। हम इसी के साथ में एक आपको सवाल करना चाहेंगे, क्या आज जो मेडिकल फील्ड के बारे में जो गैर समझ हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, नई पीढ़ी के डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, जैसा आपने 35 साल जो निकाला है, आपका प्रवास जितना खड़तड़ रहा है फिर भी आप टिके रहे हैं और यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो हमारे नए पीढ़ी के डॉक्टर्स के लिए या फिर पेशेंट में जो गैर समझ हो रहा है, जो रिश्तेदारों को, इनको क्या टिप्स दें, मतलब क्या मार्गदर्शन करना चाहिए? देखिए थोड़ा अभी समाज का मैं नहीं कह सकता, मगर हमारे मेडिकल फील्ड में
ऐसा है कि ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले वैसा नहीं था। पहले जो डॉक्टर थे अपने पास की ही गोली दवा मरीज को देते थे और उनकी दुआ देते थे, खुश हो जाते थे। तो उस समय वो 10 पैसे की गोली थी, मगर आशीर्वाद जो डॉक्टर को मिलता था वो बहुत बड़ा था। वो जो देखने का समाज का रवैया है या जो नज़र है डॉक्टर के तरफ देखने की, अभी थोड़ा समय के साथ चेंज हो रही है। अभी कैसा हो गया कि अभी नई नई मशीनें आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है और ये टेक्नोलॉजी में निरंतर बदल आ रहे हैं। अभी आज आपने एक जो सीटी स्कैन लिया, आज 5 साल के बाद वो आउट ऑफ डेट हो जाता है, या आपको वो मशीन फिर से बदलना पड़ती है, या जो कुछ है आप समाज के अच्छे के लिए, मरीज के अच्छे के लिए कर रहे हो, मगर इसमें काफ़ी खर्चे भी बढ़ रहे हैं। और हो रहा क्या, अभी इसमें कॉरपोरेट सेक्टर जो आ गया है हॉस्पिटल्स में, तो कॉरपोरेट सेक्टर का जो देखने का अंदाज है वो प्रॉफिट मेकिंग ही है। तो क्योंकि वो कॉरपोरेट है, उनको उसमें से कितना मुनाफा मिलता है वो उसके ऊपर ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो ये अभी ये जो मिक्सचर हो गया पूरा, कि पहले के डॉक्टरों के तरफ देखने का अंदाज और अभी ये कॉरपोरेट सेक्टर आने के कारण जो बड़े बड़े, मैं बोलता हूँ कि इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल आ गए, ये इंडस्ट्री के जैसे चलते हैं, तो इसके कारण काफ़ी चेंज आ गया है लोग, यानी मेडिकल फील्ड में। तो लोगों को वो कहाँ पिंच भी होता है, पहले के जो पीढ़ी है उनको लगता है ये क्या चल रहा है, 1000 रुपये लगते हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और अभी वो भी बोलते हैं कि ठीक है आज MRI मशीन देना है तो आज 2-4 करोड़ उसको खर्चा करना पड़ता है, तो हम कोई जेब से तो नहीं डालेगा, समाज की ज़रूरत भी है। मगर ऐसा मुझे लगता है कि इंडिविजुअल, अभी अहमदनगर जैसे गांव में समझो ऐसे 2 या 3 हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो सब लोगों ने उसमें जुड़ जाना चाहिए। यदि हर एक ने खुद का बड़ा हॉस्पिटल बनाने की ही सोचे तो क्या हो रहा है कि रिप्लिकेशन ज़्यादा हो रहा है, जहाँ 2 ही MRI मशीन की ज़रूरत है वहाँ 10-12 MRI मशीन हो गए, हर एक को लगता है कि अपना खुद का मशीन होना चाहिए। वो इसमें हमारा भी पैसा हम वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके यहाँ से हमको आगे बढ़ना है तो कुछ रिटर्न भी हम चाहते हैं। तो उसके कारण क्या हो गया कि आखिर ये पैसा समाज का ही है, तो जहाँ 2 MRI की ज़रूरत है वहाँ यदि 10 MRI लग गए तो ये 8 MRI का पैसा समाज का ही क्या है। ये सोचकर ग्रुप प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि डॉक्टरों ने भी अभी खुद मिलकर प्रैक्टिस करना चाहिए। 15-20 लोग मिलकर आते हैं और एक हॉस्पिटल बनाते हैं, तो इसमें रिप्लिकेशन आप टाल सकते हो, खर्चे कम हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी थोड़ा कम हो सकता है। तो ये भी अभी कुछ जगह अभी शुरू हो रहा है या होना चाहिए कि जहाँ ग्रुप के ग्रुप साथ में आ जाए और एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण हो जाए। और ये तो चलने वाला है कि जहाँ सबसे अच्छा मिलने वाला है वहाँ लोग जाने वाले हैं, मगर थोड़ा लोगों का 2 पीढ़ी का अंतर जो है कि पहले वो 10 पैसे की गोली डॉक्टर देता था तो उसका टेम्परेचर ख़त्म होते ही वो उसका पैर पड़ता था, उसका ये जो लगता था कि डॉक्टर ने खुद दवा मुझे दी और मुझे ठीक किया, वो भगवान है। अभी लोगों का ऐसा देखने का रवैया अभी नहीं रहा, क्योंकि वो बोलते कि ठीक है आपने ये ऑपरेशन के लिए आपने 3000 रुपये लिए तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि आपने 3000 रुपये लिए है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। ऑफकोर्स लोगों ने भी ये सोचना चाहिए कि मेडिकल साइंस से कभी परफेक्ट नहीं रहा। आज भी मेरा यही कहना है कि एंटीबायोटिक जो है उसका शोध लगकर भी 80 साल नहीं हुआ, पेनिसिलिन का जब शोध लगा था ये 80 साल में इतनी प्रगति हुई है, और आज भी हम भी डॉक्टर काफ़ी बार निराश या हताश हो जाते हैं कि ये बात हम कर नहीं पाए। ये तो मेडिकल साइंस ये प्रोग्रेसिव है, संशोधन आने वाला है, ये तरक्की चलने वाली है, मगर मेडिकल साइंस परफेक्ट नहीं है, इम्प्रूविंग है, हमेशा उसमें सुधार आता है। कुछ खामियां तो है अभी भी, ये परफेक्ट क्या है। आज भी हम कोविड होने के बाद बौखला गए कि ये क्या है, आज हमें भी पता नहीं कि क्या करना चाहिए, हम भी अंधेरे में घूम रहे थे,
अभी थोड़ा थोड़ा पता चला कि और कुछ वेरिएंट आ रहे हैं। ये मेडिकल साइंस में ऐसा होता है, इसलिए मरीजों ने भी डॉक्टर से मैं इतने पैसे दे रहा हूँ मुझे गारंटी चाहिए ये शब्द नहीं कह रहा। मेडिकल साइंस में गारंटी ये शब्द है ही नहीं। हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो न्याय दे पाए, उसकी कोशिश अच्छी कर पाए, वो वहाँ तक ठीक है, मगर मेडिकल साइंस इज नेवर ए परफेक्ट साइंस, इट इज़ ऑलवेज ए इम्प्रूविंग साइंस। तो मेरे मरीजों ने भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप उनसे अपेक्षा करो, मगर आप ऐसा लिख के दो हमको ये गारंटी दो या ऐसा दो मैंने इतने पैसे दिए तो मुझे गारंटी चाहिए, ये शब्द नहीं यूज़ करना। देखा दर्शकों, डॉक्टर प्रकाश कांकरिया जी ने अपने 35 साल का करियर में कैसे चढ़ उतार देखे हैं, इसी के बारे में हमने उनसे चर्चा की और उन्होंने काफ़ी सादगी से अपने इतने बड़े डॉक्टर्स का पेशा होने के बावजूद भी इतना समाज में पॉलिटिकल्स सभी जगह पे सरकार के पास भी उनकी नाम दर्ज हो चुका है, एशिया में जिनका नाम है, हम तो महाराष्ट्र देश की बात कर रहे हैं, एशिया में उनका नाम जो पहला ऑपरेशन अहमदनगर ऐसे छोटे गांव में हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर हम जुनून से काम करते हैं, शौक से काम करते हैं, पैसे के लिए, पैसा तो चाहिए लेकिन पैसे के लिए अगर काम करते हैं तो अपन आगे नहीं जाते, ये उन्होंने उनके अनुभव में बताया है। आज हम उनके बारे में इतनी जानकारी आप तक पहुंचा पाए, इसलिए आरोग्य जागृति को भी काफ़ी गर्व है कि हम इतने बड़े शख्सियत के साथ में बैठकर उनसे रूबरू कर पाए। धन्यवाद।